हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं तो यही कह रहा था बाबा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनी, खिचड़ी हमारे लिए ही बनाई है। हमारे लिए काफी है, क्यों सगुण? हाँ हाँ, आप जल्दी से परोस दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी मतलब अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? अरे चुप कर गधे नालायक, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैद्य जी मेरा पेट कैसे भरेगा? पानी पी के अब जाओ अंदर नालायक कहीं के। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो, सब बैठ गए, परोसो। अरे वैद्य जी, ये क्या कर रहे हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं खाना बनाऊंगा, आप बैठिए। अरे नालायक नालायक कहीं के, हाथ जला दिया सत्यानाश हो जाए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है? क्योंकि आज मैंने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, और अगर इसमें मैंने तुम्हारी मदद ली तो तुम पूरे गांव में जाकर ढिंढोरा पीटोगे कि ये खिचड़ी मैंने बनाई है, मैंने। और उस ढोंगी साईं को भी जाकर बोलोगे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे राम, चलो, राम, चलो, राम, चलो, ये शोर कैसा है? और शोर नहीं शोर, चल सत्यानाश हो जाए तेरा। बाबा चलकर देखते हैं। अरे द्वारिका नाथ जी, ये शोर कैसा है? अरे उधर नहीं, इधर देखिए। वैद्य जी ने कैसा भोजन बनाया है? वैद्य जी, मुझे तो लग रहा है ये साईं जरूर कोई चाल चल रहा है। चाल? अरे देख नहीं रहे, पूरी पलटन को लेकर आप ही के घर की तरफ आ रहा है। द्वारिका नाथ जी, ये लोग कहीं आपकी पिटाई करने तो नहीं आ रहे? अरे चुप चुप बोल कदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार वैद्य जी। क्या हुआ साईं, यहाँ क्यों आए हो? नाना वाली अगर हमारे साथ होता तो बोलता था कि तुम्हें शिरडी से बाहर फेंकने आए हैं। ए हैदराबादी, बहुत पर निकल गए तेरे हैं, लगता है कतरने पड़ेंगे। अरे बातें ही करते रहोगे, ये हमें कुछ खिलाओगे भी? हा? खिलाओगे भी? क्या मतलब वैद्य जी? आपने जो खिचड़ी बनाई है ना, उसकी खुशबू हमें खींच लाई है यहाँ। बाबा ने कहा कि वैद्य जी हम सबको खिचड़ी खिलाएंगे। अरे राम 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 राम, ये तो धर्म संकट में डाल दिया हमें। बाबा तुम जाकर भिक्षा मांगो, भिक्षा। हाँ। भिक्षा ही तो मांग रहा हूँ द्वारिका नाथ जी। वैद्य जी, क्या घर आए अतिथि को खाली पेट भेज देंगे आप? हाँ बाबा, नहीं तो ढोंडू बोलेगा आप दोनों पर संस्कार नहीं हुए। वैद्य जी भूख लगी बड़े जोर से। अरे धीरज रखो, वैद्य जी आप सबको खिचड़ी खिलाने वाले हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है ना वैद्य जी? अरे राम 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 राम, ये ढोंगी साई तो मेरे गले ही पड़ गया द्वारकानाथ जी, देख रहे हैं ना? वैद्य जी भिखारी गले ही पड़ा करते हैं। हाँ, जैसे आप गले पड़ गए वैद्य जी के। मैं तो यही कह रहा था बाबा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनी, खिचड़ी हमारे लिए ही बनाई है। हमारे लिए काफी है, क्यों सगुण? हाँ हाँ, आप जल्दी से परोस दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी मतलब अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? अरे चुप कर गधे नालायक, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैद्य जी मेरा पेट कैसे भरेगा? पानी पी के अब जाओ अंदर नालायक कहीं के। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो, सब बैठ गए, परोसो। Thank you.
ढूंढू। और तो अरे राम राम, ये ढूंढू दे देकर पूरी खिचड़ी खत्म कर देगा। शुरू करो शुरू करो। हाँ खाओ खाओ। लक्ष्मी की माँ, सकू भाई, कैसी बनी है खिचड़ी? स्वादिष्ट बाबा, बहुत बढ़िया है बाबा। ढूंढू, सकू भाई को खिचड़ी और दो। वाह वैद्य जी वाह, मजा आ गया। वैद्य जी, हाँ, खिचड़ी खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई? अभी तो हमारा पेट भी नहीं भरा। क्यों सगुन? हाँ बाबा। अरे ढूंढू, जाओ जाओ और खिचड़ी लेकर आओ। हाँ अच्छी है। अरे राम राम, इस साईं ने मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं बोल भी नहीं सकता कि अब इससे ज्यादा खिचड़ी नहीं मिलेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? अब जाकर देखो कि खिचड़ी कितनी बची है, नहीं तो मुझे फिर से पकानी पड़ेगी। सत्य, खड़े क्या हो, जाकर देखो, जल्दी करो। हैं बैठी, बर्तन तो खाली है। अरे राम राम राम, नालायक। अंधे, तपेले में खिचड़ी है, जाओ जल्दी जाकर परोसो, जाओ। हैं, अभी अभी तो खाली था। अरे मूर्ख, तेरा दिमाग खाली है, निकालो जल्दी जल्दी निकालो। राम राम राम। अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर, जल्दी परोसो, कितने लोग बैठे हैं, जल्दी करो। हाँ सबको दो, खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। हाँ? खिचड़ी तो खत्म हो गई, हाँ? कुछ नहीं बचा। ढूंढू, बचेगी कैसे? वैद्य जी ने बहुत प्यार से हम लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है। हाँ, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई। हाँ। अरे बाबा, वैद्य जी को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अन्नदाता सुखी भव, सुखी भव। हाँ भव भव, खिचड़ी तो खत्म हो गई। खिचड़ी का तपेला भर गया। जय साईनाथ। वैजी, अरे क्या है? वो खाली बर्तन खिचड़ी से भर गया। हाँ। जरूर इस साई ने कोई जादू किया होगा। वैद्य जी ढोंगी तो है ही। अरे लोगों ने भर भर पेट खाया। हाँ। फिर भी तपेली भरी रही। हाँ। साई बाबा मालिक है, अन्नदाता है बाबा।